प्लेस इज वेरी क्लोज फ्रॉम पुणे एंड मुंबई, दिव्यागार बीच. कोकणात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. कोकण आ रहे हो तो ये रिसॉर्ट बिल्कुल मिस नहीं करना. इट्स अ बीच टच रिसॉर्ट. रिसॉर्ट ऐसी जगह की असं पाऊल टाकले की डायरेक्ट बीच आणि मग लगेच वॉटर स्पोर्ट्स. मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रुचाल द सोनकर फ्रॉम पुणे. आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में. आज अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हम लोग और पुणे से निकल रहे और हम लोग निकल रहे कोकण के लिए. द रीजन वी आर इन इट, मैडम का बर्थडे आता सो वी आर लिविंग टू कोकण. इट्स ऑलरेडी लेट 8:15. लेट्स गो गणपति टाटा जयनी गणपति बप्पा मोरिया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. जय महाकाल. 1 से 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग रुके क्योंकि यहाँ पे मुर्शी लेक है एंड मुर्शी लेक का व्यू दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को. भले अभी पानी कम है तो ये जो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे. 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग बस. पहला वीडियो Day 1 and Day 2, हम लोगों का 2 दिन स्टे तो पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा. वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. अभी हम लोग निकले पुणे से, पुणे से हिंजेवाड़ी, हिंजेवाड़ी से मुर्शी, मुर्शी से तामिनी घाट. तामिनी घाट वाला रास्ता हम लोग ले रहे हैं. सो लेट्स गो गाइस. 160 किलोमीटर्स एंड फर्स्ट ऑफ वी टुक एट करवंद वैली कृषि पर्यटन केंद्र. करवंद मी घेतली मिसळ, मॅडम ने घेतली आहे. And time to leave from Karwanda restaurant. So let's set go. Tie the seat belt and we'll start our journey again. Tamini Ghat utarlyanantar Kokan patta suruch hoto. Kokan patta suru zalyachan aplyala kalta ase ki pratyek tikani lal mati disayla lagte. Kaularu ghar ani narachi jad ani rasta pan khup mast ahe. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. ते पण छोटे छोटे कॉटेजेस आहेत जे बीच टच आहेत, होमस्टे टाईप. म्हणजे असं वाटतं की मी आता डायरेक्ट पाण्यातच चाललोय गाडी घेऊन. हियर वी रीच एक्झॉटिका MTDC महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ओ वेलकम. एंटर विथ द वेलकम ड्रिंक. चेक इन का जो प्रोसीजर है हम लोगों ने कर, दिस इज द रिसेप्शन. ये रेस्टोरेंट है एंड ये जो यहाँ लोग इन लोगों ने सिटिंग प्लेस बनाया है जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं. एकदम वुडन टच दिया है. ये जो पेड़ है उसके बाजू में समुंदर है. सी 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 सी. रूम्स अभी देखेंगे हम लोग. खाने के लिए रेस्टोरेंट है वो भी सही है, बैठने के लिए जगह है, प्ले एरिया है जहाँ पे तुम लोग बैडमिंटन और थोड़े बहुत जगह खेल सकते हो और हर जगह सैंडी सैंड है. दिस इज़ द वे. यहाँ पे जहाँ पे रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट है वहाँ से हमें चलते आना है. एंड इज आर द कॉटेजेस बालकनी वाले. यहाँ से सीधा सेकेंड वाला कॉटेज अपने को जो मिला है वो पहला ही कॉटेज है और हर कॉटेज के लिए एक अलग से उन लोगों ने जगह दी है जहाँ पे तुम्हारा ये पूरा स्पेस तुम्हें मिलता है. ये जो है वो सारे बालकनी कॉटेजेस है जितने भी ऊपर दिख रहे हैं और हर एक कॉटेज के लिए एक अलग प्राइवेट वे दिया इन लोगों ने. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आ बालकनी गाइस. अपना जो रूम है वो रूम नंबर 1 है. लेट मी शो यू द रूम फर्स्ट. पानी, चाय, कॉफ़ी, एसी, एक बड़ा सा आईना है, देन कबर्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है. यहाँ पे पीछे साइड भी एक विंडो है एंड दिस इज द बालकनी गाइस. और यहाँ बालकनी में रुक के मेरे को समंदर का आवाज़ आ रहा है. कैमरे में सुनाई दे रहा है या नहीं बट हाँ मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ आवाज़. पेड़ बहुत सारे बीच को लग के रिसोर्ट है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है लेकिन हम लोग समर में आए तो धूप भी बहुत ज़्यादा है. इट्स टाइम टू गो फॉर लंच. अभी टाइम हो रहा है 1:35 एंड इट्स टाइम फॉर लंच. और अभी हम लोग लाइट खा रहे हैं क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स करने के अभी इसके बाद हम लोग. तो रिसोर्ट ऐसी जगह कि असं पाऊल टाकले की डायरेक्ट बीच आणि मग लगेच वॉटर स्पोर्ट्स करू देन परत फ्रेश होऊ अँड देन संध्याकाळी सनसेट जर आपल्याला बघायला भेटला तर बीचवर जाऊन सनसेट एन्जॉय करू. बट सगळ्यात पहिले आता वाजले 2 तर पहिले जेवण घेऊ. आय शो यू द मेन्यू कार्ड गाईज. मेन्यू कार्ड तो एक्झॉटिका रिसॉर्ट का ये मेन्यू कार्ड आहे. मी ऑर्डर अ कोक
हाउ इज गर्मी? ओह गॉड, जल रही हूँ मैं, जल जल। लुक एट द व्यू गाइस, लाटा खूब जोर आते हैं, सो ज़्यादा अंदर तो नहीं जा पाएंगे, शाम का टाइम तो ऐसे ही रहता है, लेकिन हम लोग सुबह एक सीन चांगला है कि एक्जोटिका पास बी साइडी जी एंट्रन्स है, तिथे बिल्कुल गर्दी नहीं है, तो त्या साइडला बघताल तर तिकडे पण गर्दी आहे आणि ह्या साइडला पण भरपूर गर्दी आहे। वॉटर स्पोर्ट्स सध्या आत्ता चालू नाही आहेत, 25 मेला ते बंद होतात, बट घोडागाडी नंतर राईड उंट हे चालू आहे। कोकण एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर सीजन में आ सकते हैं, गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, यहाँ की वाइब ही अलग है। यागर बीच पे कैमल राइड, हॉर्स राइड एंड बाइक राइड होती है, 150-200 रुपए कुछ उसका प्राइस है। Had a lot of fun, बहुत ज़्यादा खेल लिया, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, 4 बजे आए थे हम लोग, 6 बज गए अभी, एंड इट्स टाइम फॉर मैगी। सो इट्स इवनिंग टाइम, अभी चाय का टाइम हो गया, अभी 6:30-7 बज रहे। समुद्र का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड दिस इज द व्यू गाइस। अभी वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया है, वीडियो एंड करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द होटल, जो सुबह मैंने रिसेप्शन पर गया था, दिस इज रिसेप्शन, ये उनका रेस्टोरेंट है, एंड यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट, सुबह धूप में एकदम परेशान थे अपन, लेकिन रात को बहुत ही सही, पूरा हवा चल रहा है, बीच टच रिसोर्ट है ये, इसलिए पूरा हवा चल रहा है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट एंड ये जो रेड रेड जो दिख रहा है ना, वाह 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 वाह। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, शाम होते जा रही है, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है, मुझे लगा नहीं था कि ठंड रहेगी, बट हाँ ठंड है यहाँ पे, मुझे लगा था शाम को भी गर्म ही रहेगा, लेकिन ठंड बढ़ते जा रही है। तो एक्जोटिका से चलते चलते हम लोग 10-15 मिनट्स आगे चलते आए, यहाँ पे पाटिल खानावल करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे तुम लोग आ सकते हो। एक्जोटिका में बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं है खाने के लिए, यहाँ पे आके खानावल में बहुत टेस्टी है और बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ ज़रूर आना। एंड वी हैड ऑर्डर एक सुरमई थाली, ये पता नहीं किसने खा लिया। This is the badminton court. अभी time हो रहा है। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, and it's time for the game, guys. Let's have a match. And the day will end here. Thank you for watching this video, guys. Have a good day. Bye bye.